फेमस राम लड्डू। You know what to do with that big fat butt. Wiggle, wiggle, wiggle. Hey guys, welcome back to my channel. तो भाई आज हम लोग जो है जा रहे हैं, बहुत लेट हो गए वैसे जाने में। और किसकी वजह से लेट हुआ है? किसकी वजह से हुआ? अंशु की वजह से हम लोग लेट हो गए। उठता ना नहाता ना धोता। अंशु की वजह से हम तो 10 बजे नहा ली थी मैं। हाँ, तो अंशु की वजह से आज लेट हो गया। आज अभी 1:30 बज गया है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं मार्केट वाले बाबा के, जहाँ पे हम जाते थे, बट अभी लॉकडाउन के बाद से थोड़ा नहीं जा पा रहे थे, तो आज फाइनली जा रहे हैं। आज ये बोल रहा था कि एक हफ्ते बाद चलते हैं, आज भी नहीं जा रहा था। हाँ। ये सोने नहीं देते। सुबह से उठा रही, उठ जा उठ जा भाई, उठ जा उठ जा भाई, उठ रहा ही नहीं है बिल्कुल। ये लोग सुबह बहुत लेजी इंसान है। ये लोग मुझे सोने नहीं देते और ये लोग मेरे को बहुत परेशान करते हैं। सोने नहीं देते हैं। सुबह नहीं उठता। अभी हम लोग जा रहे हैं फाइनली मार्केट वाले वहाँ पे, उसके बाद एक दो काम और है। और आज वैसे भी धनतेरस है, तो सब लोगों को हैप्पी धनतेरस। और हिमांशु आज क्या दिलवाएगा? बर्तन, चम्मच और क्या? आज मैं अंशु को दिलाऊंगा छुरी और फिर उसके बाद दिखाते हैं। वहाँ पे एक दो चीज फेमस है खाने के लिए, तो बहुत भूख लग रही है। खाना तो खाया अभी, खाकर खाना नहीं खाया, पनीर के पराठे खाए। गाड़ी कहाँ खड़ी करेंगे? वैसे हम लोग यहाँ पे गाड़ी खड़ी करते थे, पता नहीं शायद अंदर खड़ी करने का शायद बन गया हो, तो पता नहीं। वो यही खड़ी करते भाई, मना कर रहा है। अभी देखते हैं कि वो मना कर रहा है भाई कहाँ खड़ी करनी है। तो वो देख रहे हो आप सामने, वही मंदिर है। चलो देखते हैं फिर अंदर से दिखाते हैं बाबा को। अभी पहले बाहर पार्क कर देते हैं, फिर आप लोगों से बातें करते हैं। तो भाई अभी हम लोग आ गए हैं मार्केट वाले बाबा पे, और हमने यहाँ पे सिंदूर लिया है और ये वाला तेल लिया है। तो ये बाबा को चढ़ता है। अभी हम लेंगे देसी घी की बूंदी, और मेरे ख्याल से शायद पता नहीं मंदिर अभी बंद तो नहीं है, क्योंकि सब लोग यहाँ नीचे बैठे हैं, ये देख सकते हो आप। और मेरे को ऐसा लग रहा है 3 बजे मंदिर खुलेगा भाई। 2:15 लेजी इंसान, तुझे बोला था ना जल्दी चल ले, जल्दी चल ले, इसकी वजह से हुआ है। तो पता नहीं था भाई, 3 हो गया, अभी वेट करना पड़ेगा। An hour later. अभी हम लोग आ गए हैं दर्शन करके, और यहाँ पे बाहर सब लोग नाम लिखते हैं, जय श्री राम, राम राम, जिसको जो लिखना है। भाई यहाँ पर सब लोग जय श्री राम लिख रहे हैं, और ये देख सकते हो आप, पहले यहाँ पे एकदम सिंदूर होता था, अभी ना ही यहाँ पे हम लोग प्रसाद चढ़ा सकते हैं और ना ही यहाँ पे सिंदूर चढ़ा सकते हैं। मैं लेके आया था जो, बट वो नहीं चढ़ा सकते अब। और अभी चलते हैं थोड़ा बाहर की तरफ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि मरगट वाले बाबा की थोड़ी सी कहानी जितनी मेरे को पता है। यहाँ की बहुत मान्यता है। आओ मरगट, अभी यहाँ की फेमस कचौड़ी खा रहे हैं। इसने बोला था कि मुझे बहुत भूख लग रही है, तो मैं वहीं जाके कचौड़ी खाऊंगा। बहुत खट्टी है यार, क्योंकि इसमें अमचूर होता है ना, इसलिए। और मम्मी को देखो, मजे ले रही है पूरे कचौड़ी के। कचौड़ी बहुत मस्त है। अब 1 साल बाद पहली बाइट लेने वाला हूँ कचौड़ी की। लोग राम से हम अभी आए मरगट वाले बाबा, पिछली बार सोच रहे थे नहीं आ पाए, लेकिन आपका बाबा ने इतने अच्छे से दर्शन दिए, बहुत बढ़िया से दर्शन दिए। तो ये है मरगट वाले बाबा के फेमस राम लड्डू, और ये 30 रुपये के प्लेट हैं और 20 रुपये के हाफ प्लेट। ये राम लड्डू और ये मिर्ची वाले पकौड़े, साथ भी ये चटनी। कौन सी भाई? एक ये हरी वाली है और एक लाल वाली चटनी है। तो अभी हम लोग इसको पैक करवा रहे हैं, इन लोगों को भूख लग रही है। ये हम काजल के लिए और मैं अपने लिए पैक करा रहा हूँ। तो भाई अपना खाने का राम लड्डू हो गए, और एक में कचौड़ी हो गई, और एक में हो गए फैंटा हो गए। भाई मजा आ गया। और गाड़ी अपनी वो खड़ी है, और कचौड़ी तो खाई ली इसने, कचौड़ी तो खा ली थी मैंने। और ये भाई राम लड्डू भाई बड़ा मजा आएगा खाने में। तो चलो चलते हैं जल्दी से यार। ये देखो, पहले गाड़ी बाहर खड़ी होती थी, अब अंदर खड़ी होती है यहाँ पे। नहीं, हम लोग जो है आ गए हैं, अच्छे से दर्शन हमारे हो गए हैं। और अभी थोड़ी सी गर्मी हो गई है, सुबह और शाम को बहुत ज़्यादा सर्दी होती है थोड़ी बहुत, ये जैकेट पहन के ही मतलब निकला जाता है। बट अभी यार गर्मी हो गई है, एसी चला के हम लोग आए थे, अभी एसी चला के जाना पड़ेगा। सर्दियाँ
हाँ सर्दियाँ हो गई है स्टार्ट, तो भाई अच्छे से बहुत अच्छे से दर्शन हो गए बाबा के, और हमें 1 घंटा थोड़ा वेट करना पड़ा क्योंकि 11 से 3 बजे तक मंदिर बंद रहता है, तो इसलिए हमने बाहर बैठ के हनुमान चालीसा करी, संकट मोचन किया और हमने भजन करे हनुमान जी के, तो भाई बहुत ही आनंद आ गया, बहुत सही लगा हमें, और साथ में हमने खाना वाना खाया। और मरकट वाले बाबा यार ऐसे हैं कि जैसे सीकर में राजस्थान में सालासर बालाजी धाम है ना, वहाँ पर भी ऐसे दोनों सेम है, ये दोनों की वैल्यू एक है, मतलब मान्यता एक ही है मरकट वाले बाबा की। और आप लोगों ने सुना होगा कि जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो बारिश होने का पानी जो है ऊपर ऊपर बढ़ता रहता है, जमुना जी का पानी ऊपर ऊपर आता रहता है, तो वो मरकट वाले जो बाबा हैं उनके मतलब चरणों को छू के वो वापस चला जाता है। कभी भी ऐसा नहीं हुआ इतने सालों में कि वो चल या फिर बाबा डूब जाए, ऐसा कभी नहीं होता, वो खाली चरणों तक आती है और छू के वापस चली जाती है। तो आप लोगों ने सुना ही है ये कि इतना ज़्यादा बारिश हुई तो बाबा बहुत नीचे लोहे वाले पुल का पानी हो गया, बढ़ गया, तो ऐसी है। तो अभी हम लोग भाई तैयार हुए हैं मतलब निकलने के लिए, तो अभी हमें फिश का जो है खाना लेने के लिए जाना है, बहुत दिनों से मतलब जाने की सोच रहा था बट ख़त्म हो गया वो ऑलरेडी कल ही, तो अब यार हम लोग जा रहे हैं, देखूंगा कि वो वीडियो बनाने देते कि नहीं देता, तो अभी चलते हैं यार, बहुत गर्मी लग रही है। हाँ होगा तो दिखा देंगे, नहीं तो उसके लिए फिर मैं एक और बाद में फुर्सत से एक वीडियो बनाऊंगा कि जिसको भी कुछ भी लेना है सामान वगैरह, तो बोल चले तो अभी चलते हैं जल्दी से बिना टाइम वेस्ट करें। तो भाई ये देखो अभी हम लोग घर आ गए और काजल को हम 4 बजे से वेट करवा रहे हैं, पौने 5 हो चुके हैं अभी, पापा और वो हमारा बाहर वेट कर रहे हैं अभी, देखना। ये देखो भाई बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था और हमने खाना जो है ले लिया और बना नहीं पाई वीडियो क्योंकि यार बहुत ज्यादा भीड़ वगैरह थी धनतेरस के चक्कर में। ये देखो रुको जरा सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ ये देखो ओ भाई दोनों बार बार घूम रहे हैं, काल को लग रहा है मछली लेके आया है। ये देखो उसका मुंह देखो, पर मछली वछली लेके आए। ये देखो उसका मुंह देख लिया, ओ हेलमेट गिर गया।